नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मंडोत्रा जी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आपने फ्लिपकार्ट और अमेजोन के बारे में सुना होगा और साथ ही आपने वहां से शॉपिंग जरूर की होगी, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि आप वहां से अर्निंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आप वहां से अर्निंग कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट है, ये करते हैं एफिलेट मार्केटिंग को प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें चाहिए एक एफिलेट अकाउंट। अमेजोन एफिलेट अकाउंट बना लो, चाहे फ्लिपकार्ट एफिलेट अकाउंट बना लो, चाहे आप दोनों बना लो। तो जैसे आप एफिलेट अकाउंट बनाओगे, उसके बाद आपको कुछ प्रोडक्ट्स को शेयर करना होता है अपने फ्रेंड्स में। तो शेयर कैसे करोगे, सोशल नेटवर्क आपके पास है, जैसे कि फेसबुक की होगी, व्हाट्सएप की होगी। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, आप वेबसाइट के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपका यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को। जितने मर्जी प्रोडक्ट शेयर करो, वो आपके हाथ में है। उसके बाद अगर फिर प्रोडक्ट को कोई परचेज कर लेगा, मान लीजिए एक मोबाइल था, उसके ऊपर कमीशन चल रही थी 10% या 50-50% मान लीजिए, तो उसके ऊपर जो कमीशन थी वो 50% थी। अगर उसे कोई परचेज कर लेगा तो आपको 50% कमीशन के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे आपके अकाउंट में। तो अगर वो 10,000 का था, आपको 50% कमीशन मिल रही है, तो आपके अकाउंट में सीधा आ जाएगा 1,500। आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सिर्फ प्रोडक्ट्स को शेयर किया था, एक प्रोडक्ट किसी ने परचेज कर लिया, आपको 50% कमीशन के हिसाब से पैसे मिल गए आपके अकाउंट में। तो कुछ इस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट के मदद से। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एफिलिएट अकाउंट बनाया जाता है और कैसे प्रोडक्ट्स को शेयर किया जाता है और उसके बाद कितनी कमीशन मिलती है प्रोडक्ट के ऊपर, एक कैटेगरी के प्रोडक्ट के ऊपर, तो मैंने इस वीडियो में हर चीज की बात की हुई है। अगर आप सब जानना चाहते हैं, सब सीखना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो पूरी देखिए। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए एक पैशन के साथ। दोस्तों, एफिलिएट अकाउंट यानी कि अमेजोन एफिलिएट अकाउंट या फ्लिपकार्ट एफिलिएट अकाउंट, इन कोई भी अकाउंट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है एक मोबाइल की या फिर पीसी या लैपटॉप की। उसके बाद मोबाइल या पीसी में आप अपना ब्राउज़र खोल लीजिए। मैं यहाँ पे गूगल क्रोम का यूज़ कर रहा हूँ, तो गूगल क्रोम खोलूँगा। तो जैसे ही उसे खोलेंगे, मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बताऊँगा अमेजोन एफिलिएट अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले सर्च इंजन में टाइप कर लीजिए Amazon Affiliate। जैसे आप टाइप करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का लिंक खुल जाएगा। आप फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक कर लीजिए। अगर बाय चांस अगर आपको नहीं मिलता है कि कहाँ पे है, अगर जैसे कि आपको नहीं मिलता है इस तरह का इंटरफेस, तो आप क्या कर लीजिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको कहाँ पे क्लिक करना है, ज्वाइन नाउ फ्री। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे अपनी कोई ईमेल अकाउंट डालना है। तो ईमेल अकाउंट कोई भी डाल सकते हैं आपको, लेकिन जो आपका एक्टिव होगा, मैंने आपको समझाना है इसलिए मैं कोई भी यहाँ पे ईमेल अकाउंट डाल दूंगा। जी लीजिए, मैंने डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको साइन इन कर देना है। उसके बाद आपको ये पहला आपका नाम पूछेगा, फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें नाम पूछेगा, तो आप कोई भी नाम दे दीजिए। DYD दे दिया मैंने। यहाँ पे ये बोलेगा कि आप फिर से अपनी ईमेल अकाउंट को डालिए, तो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद पासवर्ड, न्यू पासवर्ड जनरेट करना होगा आपको, कोई भी अपना पासवर्ड डाल लीजिए। मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ और क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, नीचे में मैंने ई मेल अकाउंट दी हुई है, आप वहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको नाम टाइप करना अपना, जैसे कि मैंने पहले DYD दिया था, मैं यहाँ पे भी DYD दे दूंगा। आप कुछ और भी अपना नाम दे सकते हैं। तो उसके बाद नाम देने के बाद आपको ये एड्रेस पूछेगा, मैं यहाँ पे कुछ भी अपना एड्रेस दे दूंगा, रैंडमली कुछ भी लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, एड्रेस डालने के बाद ये सिटी पूछेगा, सिटी भी मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जनरली यहाँ पे मैंने बठिंडा लिख दिया। उसके बाद ये पूछेगा रीज़न, स्टेट पूछेगा, तो स्टेट आप यहाँ पे पंजाबी आएगी फिर ऑब्वियसली।
और यहाँ पे ये पिन कोड पूछेगा, पोस्टल कोड जिसे बोलते हैं, वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, आपको अपना वर्किंग कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, क्योंकि बात है कि यहाँ पे पैसों की, तो आपको जो अकाउंट में पैसे आएंगे वो आएंगे इसी के थ्रू, इन्हीं जो आपने एड्रेस वगैरह डाला होगा, तो कोई भी बाद में प्रॉब्लम आएगी तो आपको वो कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपने सही सब जो कुछ डालना है सब कुछ सही डालना है। उसके बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन में जो दिखेगा आपको वो डालना है, फर्स्ट ऑप्शन में जो दिखेगा आपको वही सिलेक्ट करना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कि जो दूसरा ऑप्शन है उसको सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन बोलता है कि ये जो अकाउंट है किसी और का है, तो बेसिकली अकाउंट तो आपका ही होगा तो आप अपना ही डालिए। उसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज़ पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि US टैक्स पर्पज़ के लिए, तो आप यहाँ पे सीधा डायरेक्ट नो सेलेक्ट कर, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा, तो इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको ये पूछेगा या तो अपने वेबसाइट का लिंक डालो, या यहाँ पे आपको क्या क्या डालना होगा, अपना एप्लीकेशन का URL डालना होगा। मुझे अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है, आपने कोई अपनी एप्लीकेशन मोबाइल ऐप नहीं बनाई है, तो आपको तो लिंक नहीं मिलेगा। अगर आपके पास कोई आपका ब्लॉग नहीं है या आपकी कोई वेबसाइट नहीं है तो आपके पास फिर लिंक नहीं होगा। तो मैं आपको सुजेस्ट करता हूँ कि आप क्या कीजिए, आप तो यहाँ अपना YouTube चैनल बना लीजिए। अगर आप YouTube चैनल नहीं बना सकते हैं, आपके पास Facebook अकाउंट तो होगा ही होगा, आप अपना Facebook अकाउंट खोलिए। तो जैसे मेरा ये Facebook अकाउंट है, और यहाँ पे जैसे आप अपना Facebook अकाउंट खोलोगे, अपनी प्रोफाइल को खोलोगे, आपके सामने ऊपर जो लिंक URL होता है उसे कॉपी कर लीजिए या नोट कर लीजिए, और यहाँ पे टाइप करो या पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड कर दो। जैसे आप ऐड करोगे इस बॉक्स में ये आपकी जो URL है यहाँ आ जाएगा। जैसे आया आप नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। उसके बाद ये पूछेगा कि आपकी जो एसोसिएट स्टोर ID है उसे डाल दो। आप कुछ भी यहाँ पे नंबर डाल दीजिए जो सिंपल सा होगा, जैसे मैंने 5678 डाल दिया। फिर उसके बाद ये पूछेगा कि अपनी वेबसाइट के बारे में बताओ, तो मैं यहाँ पे सोशल नेटवर्क लिख दूंगा, कुछ भी लिख दो। तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, कुछ थोड़ा सा ऐसे आगे पीछे लिख दूंगा तो आपकी एग्जांपल के तौर पे। फिर ये पूछेगा कि जो आपका जो वेबसाइट है, जो ऐप है, किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करती है। मैं बुक्स लिख देता हूँ, यहाँ पे भी बुक्स लिख देता हूँ, या कुछ और भी लिख दो, वो आपकी अपनी चॉइस है। आप जिस हिसाब से अपनी वो जो आपकी वेबसाइट है या कुछ भी है उसके हिसाब से यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद ये बोलेंगे आपको किस चीज़ को ज़्यादा पब्लिश करना है, उसके हिसाब से बता दो। तो आप किस चीज़ को पब्लिश करना चाहते हैं अपनी साइट के ऊपर या अपने सोशल नेटवर्क के ऊपर, उसे सिलेक्ट कर लीजिए। मेरी एडवाइस आप सभी को सिलेक्ट कर लीजिए, जिसके ऊपर अच्छा ऑफर चल रहा होगा उसे आप पब्लिश कर दीजिए। उसके बाद ये पूछेगा कि वो आपकी वेबसाइट है किस तरह की है, तो ब्लॉग है या क्या है, आप उस हिसाब से इसे सेलेक्ट कर लीजिए। अदर कर दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद ये पूछेगा, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ये पूछता है कि आप जो वेबसाइट है वो किस तरह से जो विजिटर्स हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, या आपके जो पेज है उसके ऊपर आते हैं। तो आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ईमेल के थ्रू आते हैं या पेज सर्च के थ्रू आते हैं या SEO के थ्रू आते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं मतलब कि जो है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये पूछेंगे जो वेबसाइट या ऐप है वो इनकम कैसे जनरेट करती है। दोनों दो ऑप्शन पूछेंगे, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने विजिट कर दिया, यहाँ पे विजिट कर दिया। फिर उसके बाद ये पूछेगा कि आप लिंक जनरेट जनरली कैसे करते हैं, HTML एडिटर से करते हैं, इसमें से कोई भी आप यूज़ करते हैं तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो अदर यूज़ कर लीजिए। उसके बाद ये पूछेगा कि जो आपकी वेबसाइट है या पेज है उसके ऊपर कितने विजिटर आते हैं मंथली, तो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं less than 500 कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आप ये पूछेगा कि प्राइमरी रीज़न क्या है Amazon Ashort को ज्वाइन करने का, टू मोनेटाइज माई साइट, या कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद ये पूछेगा कि आपको कहाँ से ये सुनने को मिला, ऑनलाइन सर्च सेलेक्ट कर लीजिए। ऑब्वियसली आप मेरे चैनल पर देख रहे हो तो ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये कैप्चा दे देगा आपको एक, तो आप कैप्चा डाल लीजिए VYDNN7, और टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर लीजिए, फिर फिनिश कर दीजिए। ये लोडिंग हो रहा है, मैंने फिनिश कर दिया, ये लोड हो रहा है।
और ये देखिए, ये आपकी यू है, ये आपकी एक यूनिक आईडी है, आप इसे याद रखिए, चाहे ना रखिए चाहे कॉपी कर लीजिए, ये हमेशा यही रहेगी, आपकी चेंज नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये बोलेगा कि आपकी जो पेमेंट है, पेमेंट जो पेमेंट होगी बेसिकली आपकी होगी वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में, तो उसके लिए आपको डिटेल डालनी पड़ती है। अगर डिटेल आप उसी समय डालना चाहते हैं आप नौ के ऊपर क्लिक कर लीजिए, अगर आप डिटेल बाद में डालना चाहते हैं तो लेटर पर क्लिक कर लीजिए, मैं लेटर पर क्लिक करूँगा। तो आपकी जो जितनी भी बैंक की डिटेल होती है आप डाल दीजिए नौ के ऊपर क्लिक करके, जहाँ बाद में भी डाल सकते हैं, जहाँ पे सेटिंग में जाइए, अकाउंट सेटिंग में जाइए, आगे आपको पता चल जाएगा कहाँ से आपको डिटेल डालनी है। ये यहाँ पे बार बार ये आपको बताता रहेगा कि आपने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है। उसके बाद मैं बता देता हूँ कि आप लिंक कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे पब्लिश करेंगे प्रोडक्ट को, उसके बारे में मैं अभी बता देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे मोबाइल लिख दो, या अगर आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पता है उसका या आईडी पता है तो आप यहाँ पे टाइप करके उसे सर्च कर सकते हैं। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने ऐसे कुछ इस तरह की डिटेल खुल जाएगी, जहाँ पे यहाँ पे जैसे कि कूल पैड नोट 5 दिया हुआ है। तो अगर आपको इसे पब्लिश करना है, चाहते हो कि आप इसे बेच दो, तो आप इसके थ्रू कमीशन लोगे, क्योंकि 10,000 है, अगर आपको कमीशन मिल रही होगी 10% तो आपको काफ़ी अच्छा पैसे मिल जाएंगे, जैसे 100 नियर अबाउट 100 मिल जाएंगे, 100 रुपीज़ मिल जाएंगे, तो आप इसे पब्लिश कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके लिंक कुछ इस तरह के जनरेट हो जाएगा, हाई लाइट HTML पर क्लिक करें और इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके आप अपनी कोई भी WhatsApp हो गया, Facebook हो गया, या कोई आपकी वेबसाइट है वहाँ पे इसे शेयर कर दीजिए। अगर यो आपका लिंक जो जनरेट हुआ है वहाँ पे आपका यो यूनिक आईडी थी, ये वाली आईडी थी, ये उसके अंदर एम्बेडेड की गई है, उसके अंदर एक डाल दी गई है, जैसे उसके उस लिंक के ऊपर कोई क्लिक करके पैसे को सॉरी प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो उसमें से 10% या 12% या 5% कुछ भी जो कमीशन होगी प्रोडक्ट के ऊपर आपको मिल जाएगी। अब आप सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता चलेगा कमीशन का, कितनी कमीशन है, तो मैं आपको बता देता हूँ कमीशन का कैसे पता चलता है। जैसे यहाँ पर मैंने हेल्प के ऊपर गए और एडवर्टाइजिंग फीस शेड्यूल के ऊपर चले जाना है, तो मैंने क्लिक कर दिया तो पेज खुल रहा है, तो मैं बता देता हूँ कि कैसे चेक की जाती है। ये देखिए यहाँ पे सब बताया हुआ, जो ई बुक्स हैं उनके ऊपर 10% की आपको कमीशन मिलती है, जो गिफ्ट कार्ड्स हैं उसके ऊपर इतनी मिलती है, शूज़ के ऊपर 12% की है, क्लोथिंग के ऊपर 12% की है, ब्यूटी एंड हेल्थ के ऊपर 10% है, बुक्स के ऊपर 10% है, म्यूज़िक मूवीज वगैरह के ऊपर 6% है, ये देखो 10% इन सभी के ऊपर है। तो आप कुछ इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने वहाँ पे लिंक क्लिक कर दिया था, ये मेरे फेसबुक अकाउंट हो गया, मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दूँ। अगर यहाँ पे क्लिक करके जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके कोई परचेस करता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो आपको मिल जाएगी कमीशन। तो कुछ इस तरह से आप पैसे अर्न कर सकते हो इन वेबसाइट से, जैसे कि अमेजोन होगी, फ्लिपकार्ट का भी आप ऐसे ही अकाउंट बना सकते हैं, एफिलिएट अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे टोटल बताया होगा कि आपने कितनी अर्निंग कर लिया, ये बताता रहता है आपको, कितने आपकी जो आपने लिंक शेयर किया उसके ऊपर कितने क्लिक्स आए हैं, इन सभी की डिटेल यहाँ पे आती रहती है, समरी आती रहती है। उसके बाद यहाँ पे भी ग्राफ बना देता है कि इतनी तारीख को कितना आपने आपके ऊपर क्लिक्स आए हैं, कितना अर्न किया, सभी की आपकी ये डिटेल देता रहता है कंटिन्यूसली। तो कुछ इस तरह का मैंने आपको बता दिया कि कैसे अकाउंट बनाएं, कैसे आप लिंक जनरेट करें, कैसे उसे पब्लिश करें और कैसे आपको अकाउंट में पैसे आएंगे, ये सारा मैंने बता दिया है। दोस्तों मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि कैसे एफिलिएट अकाउंट बनाना है, कैसे प्रोडक्ट के लिंक को शेयर करना है और कितनी कमीशन मिलती है हर एक प्रोडक्ट की कैटेगरी के ऊपर। दोस्तों अगर अभी भी आपको कहीं प्रॉब्लम आती है अकाउंट बनाने में तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, और जीमेल अकाउंट भी दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की कि कैसे अकाउंट बनाएं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हाँ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।